आज का टॉपिक है कि हाउ मेलानिन कुड बी इंक्रीज्ड इन हेयर फॉलिकल। एक्चुअली आप मेलानिन क्या करती है, मेलानिन पिगमेंट देती है। पिगमेंट मींस के कलर करती है, देती है। जैसे मेलानिन टू टाइप्स की होती है, वन इज इन द स्किन एंड वन इज इन द हेयर फॉलिकल। आप दुनिया में जितने भी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइक हेयर हैं या स्किन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेलानिन। अगर किसी में कम मेलानिन है वो ज़्यादा गोरा होगा, किसी में मेलानिन ज़्यादा है वो उतना काला होगा। ये स्किन की है, जिसके मेलानिन ज़्यादा उसके बाल उतने काले होंगे, जिसके बालों में मेलानिन कम है वो कलर डिफरेंट होते जाएंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली रोल ऑफ मेलानिन, और इसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं होती। देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ मेलानिन एट ऑल। बट वट वी कैन डू इज़ वो डिप्लीशन ऑफ मेलानिन कैसे होती है। जैसे आप ये इसको सिंपल अगर हम ले जाएँ नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, कि जैसे हम मेडिसिन की लैंग्वेज यूज़ ना करें, तो हम कहें कि उसको मतलब ज़ाय होने से कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ पे आपके वाइटामिन्स आप उसका रोल है, ऑयलिंग का रोल है, गर्म पानी ना डाला करें उसका रोल है, अदरवाइज इन सारी चीज़ों से, जिससे आपकी बालों की हेल्थ और वैसी हेल्थ अगर ख़राब होगी तो उससे आपकी मेलानिन डेप्लीट होगी, तो आप उससे कम होगी या ख़राब होगी या मेलानिन कम हो जाएगी। तो आप समझ लें इन सारी चीज़ों से मेलानिन को बचाया, डेप्लीट होने से बचाया जा सकता है कि कम होने से बचाया जा सकता है। वो कम होने से बचाने के लिए हमें सारी एफर्ट करनी है, जिसमें सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अप रखनी है बाय डूइंग एक्सरसाइजेज, बाय डूइंग, बाय अप्लाइंग ऑयल, बाय अप्लाइंग लाइक, बाय अवॉइडिंग हॉट शावर्स, और इन सारी चीज़ों को वो करने से। अच्छा, दूसरी जो बात है, आप कहते हैं कि बड़ी मिथ है, और ये बड़ी इसको मिथ नहीं कहना चाहिए, ये सेइंग्स है कि बालों को कलर करने के बाद बाकी बाल भी वाइट हो गए। यस, इसकी बड़ी साइंटिफिक रीज़न है कि जो अमोनिया है वो डैमेज करता है मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स वो सेल होते हैं जहाँ मेलानिन बनाते हैं, जो तो उनको वो डैमेज करता है। अमोनिया एक ऐसी चीज़ है जो इरीटेंट है, वो इनसाइड दी हेयर फॉलिकल वो हार्ड होता है, तो उसके अंदर जाता है, मेडल्ला में जाके रूट तक, बल्ब तक चला जाता है, और बल्ब में क्या बन रहा होता है, मेलानोसाइट्स होते हैं और वो मेलानिन बना रहे होते हैं, यानी पिगमेंट दे रहे हैं कंटिन्यूसली टू दी हेयर फॉलिकल उसको काला रखने के लिए। तो वो क्या करता है, वो मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को ख़राब कर देता है, उनको डैमेज करता है। तो जब आप कलर अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं जो काले बाल थे वो भी ज़्यादा वाइट हो गए, कलर करने से ज़्यादा वाइट हो गए, तो वो क्या होगा, वो अमोनिया उसको ख़राब कर देता है। तो ये एंड ऑब्वियसली दी हाइड्रोजन एज वेल। आप हाइड्रोजन का एक्शन वैसे भी आपको मैंने एक वीडियो में समझाया था कि वो बिल्कुल डैमेज करती है केमिकली हेयर को और सारी चीज़ों को। तो आप ये समझ लें ये दो चीज़ें जो हैं ये हेयर फॉलिकल के अंदर जाके मेलानिन को ख़राब करती हैं। तो कलर जितने आप थोड़े बाल होते हैं आपके ग्रे होते हैं एंड यू स्टार्ट कलरिंग दैम, उसकी वजह से बाकी भी ग्रे हो जाते हैं, और वो उसके कलर के साइड इफ़ेक्ट हैं, उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आपको चाहिए एक फीमेल जेंडर में एक बात और है कि वो स्ट्रीकिंग करती हैं, डिफरेंट कलर करती हैं अपने बालों को, तो वो क्या करती हैं उसको, हाँ, आप लोग कट डाउन कहते हो, वो करते हैं ब्लीच करते हैं या ऐसी चीज़ें, वो भी डैमेजिंग इफ़ेक्ट है। उससे क्या होता है, और आपके बाल ग्रे होने लग जाते हैं, मेलानिन डैमेज होने लग जाती है, तो आपके कलर, आपके बाल जल्दी वाइट हो जाएंगे, जल्दी ग्रे हो जाएंगे, जल्दी सिल्वर हो जाएंगे। तो आप समझ लें ये कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हीट करने से, जैसे हॉट ब्लो करने से, जैसे आप स्ट्रेटनर यूज़ करने से, जैसे आप ये कर्ल करने के लिए आप उनको करते हैं हीटिंग प्रोसेस से वो लेके जाते हैं, या रोज़ हॉट ब्लो करते हैं, तो ये इट कैन आल्सो डैमेज दी मेलानोसाइट्स एक्टिविटी। तो आप समझ लें ये सारी चीज़ें
आपके ग्रे करने में रोल इनका बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैं बता रहा होता हूँ तो इसके पीछे यही स्टोरी होती है कि आप गर्म पानी ना डाला करें, ऑयलिंग लाजमी किया करें, वॉक रनिंग ज़रूर किया करें ताकि उसको उसकी सर्कुलेशन अप रहे, और ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको वो कर रही होती है, फ़ायदा दे रही होती हैं सारी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।